स्टूडेंट्स, आज मैं बड़ा इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिक्स पार्ट थ्री लेके आया हूँ। इसमें मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा कि कैसे हम लोग ऑग्यू की मदद से अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल, मीडियन और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को लगाते हैं। ठीक है, बड़ा इम्पोर्टेंट मतलब ये क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन में क्लास इंटरवल दिया रहेगा, जैसे यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, और फ्रिक्वेंसी दी रहेगी। आपको करना क्या है, पहले ये देखना है कि क्लास इंटरवल कंटिन्यू है। तो आप देखिए 30 से 39 है, फिर 40 से स्टार्ट है, तो नहीं है। तो आप क्या करोगे, इनके बीच का जो किसी भी क्लास इंटरवल का जो अपर वाला है और जो अगले का लोअर है, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हाफ कर देंगे। तो जो आएगा उसमें अपर वाले में ऐड करेंगे, लोअर वाले में माइनस करेंगे, ताकि कंटिन्यूटी बन जाए। जैसा कि यहाँ देखिए दिखाया है, 30 में 0.5 हमने माइनस किया तो 29.5 आ गया, 39 में 0.5 प्लस किया तो 39.5 आ गया। ऐसे ही 40 में 0.5 माइनस करेंगे तो 39.5, और 49.5 प्लस करेंगे तो 49.5। इस तरीके से कंटिन्यूस इंटर क्लास इंटरवल हमारा तैयार होगा। ठीक है, फिर हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे ली, यहाँ 20 है, फिर इस वाले पे जब आएंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, फिर अगले वाले में देखिए यहाँ 20 है, फिर 20 प्लस 35 55 हुआ, फिर 55 में हमने 15 को ऐड किया 70 है, फिर 70 में 40 को ऐड किया, मतलब जो भी इंटरवल है। तो इस तरीके से हमको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्राप्त होगी। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट्स लेने। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ उसमें पॉइंट्स कैसे किया जा रहा है। इसका अपर इंटरवल एज ए एक्स होगा और इसका जो ये वाई होगा वो 20 होगा। तो जैसे पॉइंट क्या लेंगे, यहाँ पे 39.5, 20, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 49.5, 55, यहाँ पे ले लेंगे 59.5, 70। इस तरीके से हम सारे के सारे पॉइंट्स को कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, आइए हम ऑग्यू बनाने जा रहे हैं। तो ऑग्यू बनाते समय हमें ध्यान रखना है, आप अपने अकॉर्डिंग सुविधा से कैसे भी ले सकते हो। जैसे मैंने क्या लिया, एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 10 यूनिट को ले लिया है, और वाई एक्सिस पे जो दो फ्रीक्वेंसी है उसको 1 mm के बराबर लिया है। ठीक है, ओके। तो चलिए, यहाँ पर मैंने क्लास इंटरवल को 29.5, 39.5, 49.5 इस तरीके से कहाँ तक ले गए, 99.5 तक, क्योंकि मैक्सिमम जो है 99.5 तक गया है। ठीक है, पहला जो आपका क्लास इंटरवल है, पहला पॉइंट 30 ये मैंने दिखाया है, 39.5, 20 है, तो यहाँ पे 39.5 यहाँ से लिया, इधर से 20 ले लिया, और यहाँ पे इस पॉइंट को ड्रॉ कर लिया, फिर ऐसे 49.5, 55 है, 59.5, 70 है। इस तरीके से सारे पॉइंट्स को मैंने इंडिकेट करके फिर इसको हमने ऐसे ज्वाइन किया। इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे तो जो ज्वाइन करने पे जो ग्राफ ये बन रहा है, फ्री हैंड डायग्राम आप बनाओगे तो ये ऑग्यू बनेगा, ऑग्यू। ठीक है, अब ऑग्यू हमारा बनने के बाद हमें क्या करना है, हमें क्यू1 क्यू2 सारा कुछ निकालना है। ठीक है, तो निकालने से पहले हमको इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे निकलेगा। जैसे पहला हमारा क्या है, क्यू2 है, तो मैं यहाँ ऊपर मतलब कि क्लास इंटरवल को ये इसको रफ कर दे रहा हूँ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको अपना नोट कर लीजिएगा। पहला हम लोग निकालेंगे Q2, सॉल्यूशन में हम लोग Q2 निकालेंगे। ठीक है, पहला तो Q2 हमारा कितना हो जाएगा, आपको पहले ये देखना है कि टोटल जो n की वैल्यू आई थी वो कितनी है। तो हम जानते हैं जो टोटल n की वैल्यू आई है वो हमारा 145, बिकॉज कैपिटल N इक्वल्स टू 145। तो जब Q1 Q2 ही हमारा क्या होता है, मीडियन होता है। ठीक है, तो मीडियन जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, n प्लस 1/2, ये आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 145 प्लस 1/2, मतलब दिस विल बी 146/2, मतलब आ जाएगा 73। तो आपको ये देखना है कि 73 वाला जो डेटा है वो कहाँ पे फॉल हो रहा है। ठीक है, तो जब हम 73 वाले डेटा को अगर हम देखें तो 73 वाला हमारा डेटा है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो वैल्यू आएगा उसको हमें लेना है। तो हम 73 वाले डेटा को क्या करेंगे, यहाँ पे शो आउट करेंगे। तो 73 हमारा कहाँ पे है, आइए देखते हैं। अगर हम 73 के अकॉर्डिंग वैल्यू को देखें, 73 को आप देखिए, यहाँ पे अगर वाई एक्सिस पे हम देखें तो कहाँ पे होगा, वाई एक्सिस पे अगर 73 देखें तो कहीं ना कहीं 70 और 80 के बीच में होगा। तो मान लो ये 73 है हमारा। ठीक है, तो 73 पे बिल्कुल आप एकदम पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के लिए जाओगे और उसके अकॉर्डिंग फिर आप जो है नीचे वैल्यू को गिराओगे। तो जब आप वैल्यू को गिराओगे तो आप देखोगे मेजर करके, तो ये लगभग जो है
60.5 पे गिरेगा, ठीक है। तो इसलिए पहले का आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 60.5 जो एक्स एक्सिस पे आएगा, ठीक है। तो ये हमारा मीडियन हो गया, मतलब Q2 हो गया। फिर हम Q1 की बात करेंगे, तो Q1 हमारा क्या होता है, लोअर क्वार्टाइल है, क्या है, लोअर क्वार्टाइल है। तो जब हम जब लोअर क्वार्टाइल निकालेंगे, तो लोअर क्वार्टाइल को निकालते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे, वही जो मीडियन के लिए हमने किया है वही हम लोग लोअर क्वार्टाइल के लिए भी करेंगे। तो लोअर क्वार्टाइल जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, दैट विल बी एन बाई फोर्थ। लेकिन चूंकि यहाँ पे ये है तो यहाँ पे आप कैपिटल एन प्लस वन कर देना, क्योंकि ये चार से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ आ जाएगा 145 प्लस 1 बाई फोर्थ, तो ये आ जाएगा 146 बाई फोर्थ। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4, 2 जा 4, 3 जा 12, ये आ जाएगा 4, 3 जा 12, 4, 6 जा 36.25 के आसपास हमारा ये आ रहा है। तो लगभग हम अप्रॉक्स जो है इंटीजर में उसको 37 ले लेते हैं, या 36 भी ले सकते हैं, क्योंकि 0.5 से कम है तो वी विल टेक 36। अब 36 इसमें अगर देखो तो कहाँ आएगा, 40 से नीचे आएगा, दिस इज द 36। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, हॉरिजॉन्टली एक्स के पैरेलल ले जाओगे, फिर नीचे वर्टिकली आप वाई पे गिराओगे। ये पहले वाले का आंसर है, दूसरे वाले का बिल्कुल कैसे आएगा, ठीक है। और जब इसको गिराओगे तो आप देखोगे ये लगभग 45 पे जाके गिरेगा, ठीक है। किस पे गिरेगा, 45 पे। तो Q1 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये लगभग आया था 36, और जब इसको हमने वैल्यू निकाली तो हमें कितना मिल रहा है, 45। तो Q1 की वैल्यू कितनी हो गई, 45 हो गई, ठीक है। तो ये हमारा आ गया Q1। अब हम ऐसे क्या निकालेंगे, Q3 निकालेंगे। तो Q3 पे बात करते हैं, जब हम Q3 निकालेंगे तो Q3 हमारा क्या होता है, तीसरा वाला देखते हैं। Q3 इज 3 इंटू एन प्लस 1 बाई फोर्थ। तो चूंकि n प्लस 1 बाई फोर्थ आया है 3 इंटू आया था 36.25, तो इसको जरा मल्टीप्लाई करो, लगभग ये आ रहा है मतलब 109 तो हम ले सकते हैं। तो जब हम 109 के अकॉर्डिंग जब हम देख रहे हैं, तो 109 के अकॉर्डिंग जो हमारी वैल्यू जो गिरेगी वो हमें देखना पड़ेगा कहाँ पे। तो 109 हमारे यहाँ पे कहाँ है, 110 से थोड़ा नीचे। और इसको हॉरिजॉन्टली ले चलो, जब हॉरिजॉन्टली ले गए तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टली ले जाने के बाद क्या करेंगे, वर्टिकली गिराएंगे। ये देखो गिरा, और जब ये वर्टिकली हमारा गिरेगा तो ये कहीं ना कहीं यहाँ कहीं आके रुकेगा, और जब ये यहाँ आके रुकेगा तो जो लगभग रुकेगा ये 68.5 के अराउंड रुकेगा, ठीक है। कहाँ रुकेगा, 68.5 जब आप मेजर करोगे। तो इसलिए Q3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 68.5, ठीक है। ये तीसरा भी आ गया। अब देखो चौथा हमसे क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ वेरिएंट्स बिलो 55, द नंबर ऑफ वेरिएंट्स बिलो 55। तो नंबर ऑफ वेरिएंट्स बिलो 55 का मतलब है कि आप जो है वाई पे 55 देख लो कहाँ है, तो 55 भी देखो सामने है ना, यहाँ से ले चलो, ठीक है। यहाँ से ले चलने के बाद जब वर्टिकली यहाँ ले जाओगे, ये हमारा जो चौथा है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे जहाँ पे ये गिर रहा है, ये जहाँ पे गिर रहा है उस वैल्यू को अगर देखा जाए तो लगभग, मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितना है, बिलो 55 है। तो बिलो 55 का मतलब है हमें ये देखना है कि 55 के अकॉर्डिंग, 55 हमारा एक्स है, ठीक है। तो एक्स पे हमारा 55 हमने देखा, तो एक्स पे 55 अगर देखो तो हम यहाँ पे 49 और 59 के बीच में कहीं होगा 55। तो हम वर्टिकली ऐसे ले जा रहे हैं वैल्यू को, और हॉरिजॉन्टली जब यहाँ ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं पे आके मिल रहा है। जब हॉरिजॉन्टली हम इसको मैच कराएंगे, तो हॉरिजॉन्टली मैच कराने में देख लेंगे लगभग और लगभग ये 63 पे आके मिलेगा, ठीक है। आप जब ग्राफ में प्रॉपर ऐसे लेके करोगे तो 63 पे हमें दिखेगा। तो द नंबर ऑफ वेरिएंट्स बिलो 55, नंबर ऑफ वेरिएंट्स बिलो 55 का मतलब है कि 55 नंबर से कम पाने वाले कितने होंगे। तो 55 नंबर से कम का मतलब इधर वाले होंगे, इधर वाले कैसे आएंगे, जो यहाँ पे होगा उसके नीचे वाले सारे उसमें इन्वॉल्व रहेंगे 63 में। तो इसका चौथे का आंसर कितना आएगा, 63 आएगा, ठीक है। पांचवा देखो, द नंबर ऑफ वेरिएंट्स अबव 75। अब आप 75 लो, तो 75 आप जानते हो कहाँ होगा, लगभग 79 और 69 के बीच में यहाँ कहीं होगा 75। तो
आप क्या करो वर्टिकली एक लाइन ऐसे मिला दो और फिर ये वर्टिकली लाइन हॉरिजॉन्टली जब जाओगे तो यहाँ कहीं आएगा, जब हॉरिजॉन्टली मिलाओगे तो लगभग ये 113 पे आपको मैच मिल रहा है। इस पे आपको मिल रहा है 113 पे, लेकिन ये बिलो बिलो वाले बच्चे हैं, मतलब बिलो 75 वाले हैं। तो बिकॉज नंबर ऑफ वेरिएंट्स बिलो 75 कितना है, 113 है, तो हमको चाहिए क्या, एबव चाहिए। तो एबव के लिए क्या करेंगे, टोटल में से इसको माइनस करेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ वेरिएंट्स एबव 75, तो टोटल हमारे कितने, टोटल हमारे 145 है, तो 145 में आप क्या करो 113 माइनस कर दो, तो 32 का आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन इस टाइप का अगर आता है तो ऐसे ग्राफ की मदद से लगाया जाता है। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू।